अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमने 7 किलो वाट का फ्रोनस का सिस्टम जो है हमने इंस्टॉल किया है। साथ ये बैटरीज जो है ना ज़्यादा जो बेहतर है वो ट्यूबलर रहती है। ये लेड-6 बैटरी हैं, ये हमने इस वजह से ये साथ लगाई है। हमारे पास पहले एक 3 किलो वाट का सिस्टम था जिसके साथ ये आलरेडी भाई ने ये दो जो है ना ये लेड-6 बैटरीज लगाई हुई थी एक्साइट की। तो अगर हम लोग तो दूसरी जो ट्यूबलर बैटरी जिसके साथ लगाते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि एक साइड पे ट्यूबलर और दूसरी साइड पे लेड-6 जो बैटरी होती है वो सीरीज में अगर लगा देते हैं तो ट्यूबलर बैटरीज जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी चार्जिंग होने में और ये कम जल्दी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि वेरिएशन कम ज़्यादा होगी, उसकी वजह से ये जो बैटरीज जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो लिहाजा जब भी आप बैटरी लगाएं तो एक जैसी बैटरी लगाएं। अगर लेड-6 बैटरी आपकी पहले की लगी हुई है तो साथ लेड-6 लगाएं। अगर आपकी बैटरी ट्यूबलर लगी हुई है तो ट्यूबलर लगाएं और कोशिश यही करें कि अगर आप नया सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके साथ आप ट्यूबलर बैटरी लगाएं। तो बॉक्स इस जगह पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे और इस जगह पे सोलर इन्वर्टर जो है ना वो लगाएंगे। और इन्वर्टर ये हमारे पास फ्रोनस का PV-7200। जी ठीक है हुनैन भाई, हम लोग इस जगह पे तो ये 7 किलो वाट का सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर वगैरह हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। और ये इंशाल्लाह फिटिंग हो रही है और इंशाल्लाह कल तक जो है ना इसको हम लोग मुकम्मल कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। और ये फिटिंग हो रही है पैनल्स की। जी तो व्यूअर्स, ये हमने ब्रेकर लगाया मेन सप्लाई के लिए और ये इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है ये मेन का और जो सेकंड है ये लोड का। तो मेन हमने इधर से इन किया और इधर ला के इसको ब्रेकर लगा दिया। और आगे ये BA प्रोटेक्टर है, ये इस वजह से लगाया है कि बाद दफ़ा लोग एहतियात नहीं करते या कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर ज़्यादा पेड़ आ जाते हैं, तो उस वजह से हम ये BA प्रोटेक्टर एक्स्ट्रा सेफ्टी गियर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये लोड के ऊपर है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, जो लोड हमारा आउटपुट आ रहा है लोड की जो है वो हमने इधर लगा दिया इन और इधर से आगे आउटपुट घर को सप्लाई दे दी। और आगे ये DC ब्रेकर लगाया जो सोलर की जो प्लेट्स की जो मेन जो केबल्स आएंगी वो इस जगह पे इन होगी और इस जगह से आउट होगी तो ये PVA सर्किट पे लग जाएगी। और आगे ये साथ DC ब्रेकर है, बैटरियों की लगाया है, इसकी जो बैटरियों की मेन पावर आएगी वो इसके अंदर कनेक्ट होगी, इधर से आउट होगी तो फिर ये इन्वर्टर को चलिए मजीद ये हम लोग कनेक्शन आगे करके फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हमने 7 किलो वाट का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। और ये फ्रोनस का हमने जो है ना इन्वर्टर लगाया, हाइब्रिड PV-7200 मॉडल है ये। और ये हमारे इजाज़ भाई हैं, तो जी ये इजाज़ भाई हैं हमारे तो जिनका हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो मज़ीद इजाज़ भाई से पूछते हैं कि ये हमारा जो है सिस्टम आप जो इनको लगवा के दिया है तो ये इनको कैसा लगा है और क्या कमेंट्स हैं आपके? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरों से बच गए हैं पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और नवीद भाई ने हमारे साथ अच्छा तआवुन किया है और सिस्टम हमारा चल रहा है। और आपको पता है आजकल मौसम जो चल रहा है, जनवरी 2 है आज और इतनी रोशनी और वो नहीं, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग हो रही है और हमारी लाइटिंग ऑन है और AC हमारा वो भी हमने अभी हीटर चला रहे हैं और उसके बाद फ्रिज हमारी चल रही है और लाइटिंग टोटल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो कैरियम कर रही है। और
फिटिंग के दरमियान और किसी किस्म की कोई चीज आपको पसंद ना आई हो या कोई कंप्लेन हो? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह लोहित भाई तावन करने वाले बंदे हैं और इन्होंने, बल्कि हम कह रहे थे हमारी अभी जाए आप चाल छोड़े, लेकिन ये कह रहे थे नहीं मैं अपनी तसल्ली करूंगा फिर मैं जाऊंगा। और माशाल्लाह टाइम भी ये भरपूर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि अभी 5 हो गए हैं 6 हो गए हैं, और चाहे फुल नाइट काम करना पड़े और ख़त्म करने के बाद ही जाते हैं। और माशाल्लाह फिनिशिंग आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से फिनिशिंग की है सारी डेटिंग वगैरह हर चीज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने किया भाई ने, अच्छे और तावन करने वाले बंदे हैं। ये नहीं कि बस जल्दी में आ गए जी काम बस ऐसा ही होगा, वो कहते हैं जिस जैसे करवाना है आपकी तसल्ली है वो हमें बोले कि हम वैसे कर देते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मुवीद भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सर, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह जनाब, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी।